hello children today we will be doing lesson number 3 of mathematics class 5 how many squares so we are beginning this chapter and let me give you a few introduction of what is area and the difference between area and perimeter so area is the inside space of a closed figure now you can see that this is a square rectangle and a triangle means the space which i am shading if you can see this is a closed figure shaded portion shows the area similarly again this is closed ye band hai har taraf se to iska area kya hoga जो इसके अंदर के बीच की जो जगह है इसको हम area बोलते हैं ऐसे triangle ट्राइंगल का ये देखो तीनों तरफ से बंद है तो इसके जो बीच का एरिया है जगह है बीच में तीनों के उसको हम एरिया बोलते हैं अब फिर पेरीमीटर क्या होता है पेरीमीटर आपने क्लास फोर में भी किया है पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर अब आपके पास सेम फिगर्स हैं स्क्वायर रेक्टेंगल ट्राइंगल तो इसका पैरीमीटर क्या है पेरीमीटर का मतलब है इसका बाउंड्री यहां से कितना है जो भी है ये सारा जो इसका बाउंड्री बाहर बाहर का जो भी मेजरमेंट है उसको टोटल करेंगे तो उसको पेरीमीटर बोलते हैं तो इस केस में स्क्वायर में आपके पास हर तरफ से वन सेंटीमीटर की लेंथ है तो इसका पैरामीटर हो जाएगा वन सेंटीमीटर प्लस वन सेंटीमीटर प्लस वन सेंटीमीटर प्लस वन सेंटीमीटर पैरीमीटर विथ बी फोर सेंटीमीटर यहाँ पे कितना हो जाएगा पैरीमीटर सारे लेंथ प्रेंथ को आपने ऐड करना है विल बी टू प्लस वन प्लस टू प्लस वन ये हो जाएगा आपका सिक्स सेंटीमीटर एंड ये ट्राइंगल में हर तरफ से तीन सेंटीमीटर है तो इसका पैरीमीटर थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री तो, तो दिस विल बी नाइन सेंटीमीटर अब पैरीमीटर ऑफ और एरिया में को लिखने में क्या डिफरेंस होता है जब भी हम एरिया लिखते हैं तो उसको सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर लिखते हैं पर जब हम पैरिमीटर लिखते हैं तो उसको सेंटीमीटर या मीटर लिखते हैं सबसे बड़ा डिफरेंस एक ये है और सबके लिए फॉर्मूलाज बने हुए ताकि आप इजीली फटाफट इसके आंसर्स निकाल सकें तो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए हम करेंगे साइड इनटू साइड अब ये जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है वन सेंटीमीटर बाय वन सेंटीमीटर तो यहाँ पे साइड इनटू साइड का मतलब होगा वन सेंटीमीटर इंटू वन सेंटीमीटर वन इंटू वन विल बी वन एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर को हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर छोटा सा टू लगा देना हमने मतलब ये टू टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ इसका मतलब है यहाँ पे सेंटीमीटर भी मल्टीप्लाई हुआ है ऐसी एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये वाला जो एरिया था ये वाला जो रेक्टेंगल है इसका एरिया निकाल रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है एल इंटू बी एल मतलब लेंथ एंड बी मतलब आपका ब्रेथ या चौड़ाई एल मतलब लंबाई और बी मतलब चौड़ाई तो यहाँ पे लेंथ है फाइव ब्रेथ है वन तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी एल इंटू बी विच विल बी इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर इंटू वन सेंटीमीटर जो सेंटीमीटर एंड स्क्वायर सो दिस विल बी योर आंसर हियर सेम अब ऐसे हम आ, कोई भी मेजरमेंट्स हो हम उसका निकाल सकते अब जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं तो उसका फार्मूला डिफरेंट है इट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अब ऐसे वाले ट्राइंगल का हम एरिया निकालने का मेथड और है पर अगर हमारे पास ये वाली मेजर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमें चाहिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाइट जो होती है ये है आपका जो ये हाइट दी हुई है कितना ऊंचा है दैट इज़ योर हाइट और ये आपको मान लीजिए टू सेंटीमीटर्स दिया हुआ है और इसको हम कहते हैं बेस जो सबसे नीचे वाली लाइन होती है उसको कहते हैं बेस तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ इं बेस हमारे पास यहाँ पे था थ्री सेंटीमीटर्स इन हाइट था हमारे पास टू सेंटीमीटर्स तो लिखेंगे हाफ इंटू थ्री इंटू टू अब ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा थ्री एंड वन सो थ्री इन वन इज थ्री अब यहाँ पे भी हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर सो दिस इज योर आंसर नाउ विल कम टू द पेरीमीटर कैलकुलेशन पेरीमीटर में आपको पता है कि आपने सारे साइड्स को ऐड करना है तो सबसे पहले हम स्क्वायर का करेंगे स्क्वायर में देखो सारे को एड कर दिया तो फोर सेंटीमीटर्स आया अगर इसका फॉमूला यूज़ करना है तो आप लिखेंगे फोर इंटू साइड मीन्स फोर इंटू वन सेंटीमीटर विच विल बी इक्वल टू फोर सेंटीमीटर्स ये आपका आंसर आ जाएगा ऐसे ही आपका अगर आपने रेक्टेंगल का निकालना है तो सारे सारे साइड्स को आपने ऐड करना है नहीं तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ टू एल प्लस बी और टू टाइम्स एल प्लस टू टाइम्स बी इसका मतलब है आप टू मल्टीप्लाई करो लेंथ से लेंथ थी हमारी टू सेंटीमीटर एंड देन टू को आप ब्रेड से मल्टीप्लाई करो जो थी हमारी वन सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा आपका टू टू ज फोर प्लस टू दिस इज सिक्स सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा ठीक है उसके बाद है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल साइड्स ये आपका ट्राइंगल है और सारे साइड्स आपके थ्री हैं तो आपने कुछ नहीं करना सम ऑफ ऑल साइड इज थ्री सेंटीमीटर प्लस थ्री सेंटीमीटर प्लस थ्री सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू नाइन सेंटीमीटर सो दिस इज योर आंसर